और राज्यसभा चुनाव में शंकर सिंह वाघेला वोट देने पहुंचे, कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। इसलिए जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस इज कंसर्न, सो मैंने जो वोट देना था वो नहीं दिया है, और लेट अस होप फॉर बेटर। क्या रिजल्ट आता है 5 बजे मालूम पड़ेगा। सर, क्या आपने नोटा के दिया है या फिर बीजेपी? वो एक जो बात हुई, बाकी जो भी मालूम पड़ेगा शाम को। थैंक यू। खिलाड़ी शंकर सिंह वाघेला माने जाते हैं, और शंकर सिंह वाघेला जो कि अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, कहां वोट दिया, क्या किया, शाम को पता चलेगा। शंकर सिंह वाघेला जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपना नाता अलग कर लिया, नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके खेमे के जो लोग हैं वो लगातार नाक में दम किए हुए हैं कांग्रेस पार्टी का। देते हैं अब वहाँ भी जो 44 है वहाँ भी ठिकाना नहीं है, हो सकता है 4-5 उसमें भी गिरेंगे। इसलिए जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस इज कंसर्न, सो मैंने जो वोट देना था वो नहीं दिया है, और लेट अस होप फॉर बेटर। क्या रिजल्ट आता है 5 बजे मालूम पड़ेगा। सर, क्या आपने नोटा के दिया है या फिर बीजेपी? वो एक जो बात हुई, बाकी जो भी मालूम पड़ेगा शाम को। थैंक यू। तो जितना हम समझ पाए हैं, शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं मैंने वोट नहीं दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि जो 44 विधायक जिन्हें कांग्रेस पार्टी रिजॉर्ट लेकर के गई थी, उनमें से भी 5-6 ऐसा हो सकता है कि पक्ष में ना करें कांग्रेस के वोट। शंकर सिंह वाघेला जो गांधीनगर पहुंचे पोलिंग बूथ पर, और वोट देने के बाद बोले हैं शंकर सिंह वाघेला कि अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। शंकर सिंह वाघेला जिनको लेकर सस्पेंस दरअसल बना हुआ है, वो लगातार कहते रहे कि अहमद पटेल के साथ उनकी दोस्ती आज की नहीं, सालों पुरानी है। लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है अहमद पटेल के लिए स्थिति और खराब कर सकता है, क्योंकि ये शंकर सिंह वाघेला और उनका गुट ही है जिसके अलग होने के बाद से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। वाघेला ने वोट देने के बाद कहा है कि मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। ये एक बड़ा झटका अहमद पटेल के लिए, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला ये भी कह गए कि 44 विधायकों में से भी 5-6 जो हैं वो हो सकता है कांग्रेस पार्टी को वोट ना करें, अहमद पटेल के पक्ष में वोट ना दें। तो ऐसे में अहमद पटेल का क्या होगा? वो तो 44 विधायकों के भरोसे और बाकी यहां वहां से एक वोट जुटाने की बात कह रहे थे, लेकिन कहीं हारेंगे तो नहीं अहमद पटेल? एक एक वोट को मोहताज। और ऐसे में शंकर सिंह वाघेला का बड़ा बयान, राजनीति में लंबी रेस के खिलाड़ी के तौर पर वो जाने जाते हैं, माहिर माने जाते हैं राजनीति में। और वोट देने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने कहा है कि उन्होंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। वो अहमद पटेल जिन्हें इससे पहले वो बता चुके हैं कि अहमद पटेल मेरे वर्षों से दोस्त रहे हैं और अहमद पटेल नहीं जीतेंगे, ऐसी चौंकाने वाली बातें शंकर सिंह वाघेला ने की हैं वोट देने के बाद। और वोट देने के बाद बोले हैं शंकर सिंह वाघेला वो कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं, अपने गुट के साथ अलग हुए हैं, और कह रहे हैं कि मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया और अहमद पटेल नहीं जीतेंगे। शंकर सिंह वाघेला ने कहा क्या, एक बार फिर से सुनिए। देते हैं अब वहाँ भी जो 44 है वहाँ भी ठिकाना नहीं है, हो सकता है 4-5 उसमें भी गिरेंगे। इसलिए जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस इज कंसर्न, सो मैंने जो वोट देना था वो नहीं दिया है, और लेट अस होप फॉर बेटर। क्या रिजल्ट आता है 5 बजे मालूम पड़ेगा। सर, क्या आपने नोटा के दिया है या फिर बीजेपी? वो एक जो बात हुई, बाकी जो भी मालूम पड़ेगा शाम को। थैंक यू। तो शंकर सिंह वाघेला को आपने सुना, एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, जरा समझाइए, क्या शंकर सिंह वाघेला बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया और इसीलिए अहमद पटेल अब जीतेंगे नहीं? देखिए, ये तो एक खबर है ही कि शंकर सिंह वाघेला अभी भी सस्पेंस बनाए हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर इस समय आ रही है एनसीपी पार्टी की तरफ से। एनसीपी पार्टी के दोनों विधायक जयंत पटेल बॉस्की और दूसरे हैं कांधल जडेजा, ये दोनों ही वोटिंग करके बाहर निकले हैं। कांधल जडेजा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया था कि वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन जयंत पटेल बॉस्की ने ये बताया है कि उन्होंने किसको वोट किया है वो ये किसी को नहीं बताएंगे। इतना ही नहीं, वोटिंग करने के बाद उन्होंने किसको वोट किया है इस बारे में खुलासा करने से साफ मना करते हुए यह भी कहा है कि मैं ये किसी भी वीप को नहीं मानता हूं कि मुझे किसको वोट करना है। I myself I am a वीप, मैं किसे वोट दूंगा ये मैं तय करूंगा, पार्टी तय नहीं करेगी। और साथ में ये भी बताया कि हम यूपीए का हिस्सा हैं, ये भी बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। बॉस्की के इस बयान के राजनीतिक मायने कितने हैं, मेरे साथ में इस समय विकास भदौरिया जी मौजूद है। विकास जी, ये बहुत बड़ा बयान है जब एक एक विधायक को लेकर लड़ाई चल रही हो। जी हाँ, बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बयान है, और सबसे बड़ी बात है अहमद पटेल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि उनके लिए एक एक विधायक का वोट
कांग्रेस के बाहर के एक एक विधायक का वोट बेहद कीमती है, और ऐसे में जब जयंत पटेल, जिनको बोस्की उपनाम से जाना जाता है, वो ये कहते हैं कि मैं खुद व्हिप हूँ, मुझे कोई पार्टी की तरफ से व्हिप नहीं मिली है, और मैंने किसको वोट दिया है मैं ये भी नहीं बताऊंगा, और साथ में जब वो ये जोड़ देते हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हम यूपीए के एलआई हैं, यूपीए के पार्टनर हैं, तो मतलब साफ है उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको वोट दिया, लेकिन उन्होंने एक तरह से अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो वोट जो करके आए हैं वो अहमद पटेल के पक्ष में करके आए हैं। हालांकि जब वो अपनी बात अपने मुँह से बोलेंगे तभी स्थिति साफ होगी, लेकिन उनकी बात के जो मायने हैं वो ये हैं कि वो अहमद पटेल के पक्ष में मतदान करके आए हैं, और ये अहमद पटेल के लिए बड़ी राहत की खबर है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी ने यहां पर अपना तीसरा कैंडिडेट उतारा था और उम्मीद ये लगाई थी कि अहमद पटेल के पास वोट नहीं जुट पाएंगे। बीजेपी अपना पहला वोट और दूसरा वोट मिला के और एनसीपी और जेडीयू को मिला के अपने तीसरे कैंडिडेट को भी जिता लेगी। शंकर सिंह वाघेला ने यह बयान दिया है कि उन्होंने किसको वोट किया बिल्कुल नहीं बताएंगे, 5 बजे तक राह देखिए, लेकिन मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। इतना बड़ा झटका ये हो सकता है अहमद पटेल के लिए। जी देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया ये नहीं बताएंगे, 3 ऑप्शन है, या तो बीजेपी को दें, या कांग्रेस को दें, या नोटा पर जाएं। कांग्रेस को नहीं दिया उन्होंने साफ कर दिया है, या तो नोटा को दिया है या फिर बीजेपी को दिया है। अगर उन्होंने नोटा को वोट किया है तो भी अहमद पटेल के लिए झटका है, अगर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया है तो भी अहमद पटेल के लिए झटका है। तो कुल मिला के अगर शंकर सिंह वाघेला ने 2 ऑप्शन चुने हैं, कांग्रेस को वोट नहीं किया है, तो ये अहमद पटेल के लिए सबसे बुरी तो बुरी अहमद पटेल के लिए राहत के संकेत। मयूर और विकास, जैसा आप लोग बता रहे हैं, सिर्फ एक ही है कि एनसीपी के 2 विधायकों में से एक विधायक संकेत देते हुए कह रहे हैं कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम हिस्सा है यूपीए का, मैं खुद में व्हिप हूं, और ऐसा लग रहा है कि वो जरूर अहमद पटेल को वोट डालकर आए हैं। एनसीपी के एक विधायक, दूसरे विधायक पहले ही खंडल जाडेजा ये कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो तो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा बम शंकर सिंह वाघेला ने फोड़ा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है वोट देने के बाद कि अहमद पटेल को उन्होंने अपना वोट नहीं दिया, अहमद पटेल जीतेंगे नहीं। और अहमद पटेल की आज बड़ी परीक्षा है, थोड़ी देर पहले उन्होंने जीत का भरोसा जताया, सुनिए उन्हें। जी बिल्कुल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं पूरा आशावादी हूँ और रिजल्ट नतीजे अच्छे आएंगे। ओके, ऑफकोर्स, यस यस, ऑफकोर्स, 100% इज हैपनिंग इज इलेक्शन अल्टीमेटली। ओके, यस, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। ओके, ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।